Welcome students. Now see a problem of your NCERT exercise 5.3 third ka question number 6 hai. Here a equal to 2, d equal to 8 और Sn equal to 90 दिया है. इससे हमें n और an का वैल्यू फाइंड करना है. यानी किसी AP में A, D और Sn दिया हो तो n और an का वैल्यू फाइंड करना है. So here you can use Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Here Sn के प्लेस पे 90 equal to n by 2 2 a equal to 2 plus n had to find and d equal to 8. Here 90 equal to n by 2 2 2 are 4 plus 8 से n में मल्टीप्लाई कर ले 8 n minus 8. Now 90 equal to n by 2 here 8 n a minus 8 a plus 4 minus 4. Now 90 equal to n by 2 इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले ले तो यहां बच जाएगा ब्रैकेट में 4 n a minus 2. Now 2 to 2 cancel. So 90 equal to n into 4 n 4 n square n into 2 n into n. So it is 4 n square minus 2 n and 90 in right side minus 90 equal to 0. अब होल इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे इट इज 2 n square minus n minus 45 equal to 0. अब हमें इसे फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके n का वैल्यू फाइंड करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2 और थर्ड टर्म हो गया 45. तो यहां 2 i into minus 45 यानी minus 90 हो गया. तो such two numbers which product is 90 and difference is 1. यानी ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 90 हो और माइनस 90 है इसलिए डिफरेंस जो है 1. सो हियर 2 n स्क्वायर 1 के प्लेस पे 10 माइनस 9 इनटू n माइनस 45 इक्वल टू 0. नाउ इट इज 2 n स्क्वायर माइनस 10 n और माइनस माइनस प्लस 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0. तो यहां अब दो दो टर्म का ग्रुप बना लिए. इन दोनों में से हम 2 n कॉमन ले लिए तो हो गया n माइनस 2 5 और इन दोनों में से 9 कॉमन ले लिए तो n 9 5 45 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 और सेकंड ब्रैकेट में 2 n प्लस 9 इक्वल टू 0. अब यहां if n minus 5 equal to 0 then n equal to 5 or if 2n plus 9 equal to 0 then n equal to minus 9 by 2. अब चूंकि किसी AP का जो टर्म है वह निगेटिव नहीं हो सकता या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है तो लिख देंगे so n equal to 5. It means there are 5 terms. यानी यहां जो है जो Sn से n का वैल्यू फाइंड करना था तो n का वैल्यू हो गया 5. See next number question. Question number 7. Question number 7 is here a equal to given 8. An equal to 62 and Sn equal to 210 and we have to find n and d. यानी n और d का वैल्यू फाइंड करना है.
याद रखें ए 8 दिया है, एम दिया है 62 और एसएन दिया है 210। तो सबसे पहले हम एन जो दिया है 62 यानी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। तो एन के प्लेस पे 62 लिखते हैं, ए के प्लेस पे 8 हो गया और एन माइनस वन और डी अननोन फाइनल। हियर 62 8 को लेफ्ट पे लाए माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, इट मीन एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8 यानी हो गया 52। नाउ अब देखें यहां एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन लिखते हैं, यहां एस एन के प्लेस पे 210 एन फाइंड करना है और ए ए का वैल्यू है 8 और एन एन का वैल्यू है 62। सो हियर 210 इक्वल टू एन बाई टू, 62 और 8 ऐड कर दिए यह हो गया 70 और 2 से 70 कैंसिल हो गया 35 गया, इट मीन एन इक्वल टू 210 बाई 35, इट इज एन इक्वल टू 210 बाई 35 कैंसिलेड बाई 6 यानी एन इक्वल टू हो गया 6। नाउ एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54, हियर एन इक्वल टू 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 54, सो डी इक्वल टू 54 6 माइनस 1 5, सो डी इक्वल टू 54 बाई 5 यानी डी का वैल्यू जो है 54 बाई 5 हो गया। इस तरह से यह जो है एन और डी का वैल्यू फाइंड करना था तो एन इक्वल टू 6 और डी इक्वल टू 54 बाई 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 गिवन दैट एन इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 2 एंड एस एन इक्वल टू माइनस 4 एंड वी हैव टू फाइंड एन एंड यानी ए एन 4 दिया है, डी का वैल्यू 2 दिया है, एस एन हो गया माइनस 14 और हमें एन और ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां ए एन, तो चूंकि ए एन दिया हुआ है तो ए एन के प्लेस पे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हो गया 2 इक्वल टू हो गया 4। नाउ यह हो गया ए प्लस 2 से एन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एन और 2 बन जाए 2 माइनस 2 इक्वल टू 4, इट मीन ए प्लस 2 एन इक्वल टू 4 और माइनस 2 राइट में जाएगा यानी ए प्लस 2 एन इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां देखें एस एन इक्वल टू यानी एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, यहां देखें ए एन मालूम है यानी यहां लिख दें ए प्लस एन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, हियर एस एन इक्वल टू माइनस 14 इक्वल टू एन बाई टू एंड ए, तो ए के प्लेस पे ए तो ए का वैल्यू हो गया 4 और सॉरी ए का वैल्यू नहीं दिया है ए रहने दे, हाँ एन के प्लेस पे लिखते हैं 4, यहां एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू अननोन है और एन एन का वैल्यू हो गया 4। यहां देखें पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28
इक्वल टू एन और यहां हो गया ए प्लस फोर। नाउ माइनस 28 एन और ए, तो ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2, या जो इक्वेशन फाइंड किए थे ए प्लस 2 एन इक्वल टू 6, तो ए इक्वल टू 6 माइनस 2 एन लिख सकते हैं। तो यहां ए के प्लेस पे हम जो है 6 माइनस 2 एन लिख दें, आप प्लस 4 कॉपी कर देना। नाउ माइनस 28 इक्वल टू एन, अब 6 और 4 10, अब माइनस हो गया 2 एन। आर माइनस 28 इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 एन माइनस 2 एन स्क्वायर। अब माइनस 2 एन को लेफ्ट में लाइए, यह हो जाएगा 2 एन स्क्वायर, 10 एन को लेफ्ट में लाइए माइनस 10 एन, और 28 तो ऑलरेडी लेफ्ट में है ही। अब होल इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 5 एन माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसे आपको जो है फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए यहां देखें, फैक्टराइज करने के लिए यहां जो है एन स्क्वायर माइनस 5 एन माइनस 14 इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट 1 है और थर्ड टर्म है माइनस 14, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 हो गया, यानी सच टू नंबर्स विच प्रोडक्ट इज माइनस 14 एंड डिफरेंस इज 5, यानी एन स्क्वायर इस 5 के जगह पे हम 7 माइनस 2 एन माइनस 14 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यह हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 7 एन माइनस माइनस प्लस 2 एन माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां एन कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 7 हो गया, और यहां 2 कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 7 इक्वल टू 0। सो एन माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया एन प्लस 2 इक्वल टू 0। अब नाउ इफ एन माइनस 7 इक्वल टू 0 देन एन इक्वल टू 7, एंड इफ एन प्लस 2 इक्वल टू 0 देन एन इक्वल टू माइनस 2। अगेन एन का वैल्यू जो है निगेटिव नॉट वैलिड हो जाएगा, यानी सो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 7, यानी एन का वैल्यू जो है 7 हो गया। इस तरह से आप जो है ऐसे प्रॉब्लम्स का सलूशन सेल्फ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबमिट किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।